स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए आज हम 5 मिनट का स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित मंत्र का जप करने वाले हैं, जिसे मेडिटेशन के रूप में आपको बतलाने वाली हूँ। स्वाधिष्ठान चक्र, सबसे पहले तो ये समझ ले कि जो लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो वह यह जान ले कि उनका स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक्ड है। तो वह ओपन करने के लिए किस प्रकार मेडिटेट करें, तो आपको वम मंत्र का कैसे उच्चारण करना है। मानसिक रूप से सबसे पहले आपको उच्चारण करना सीखना होगा। तो इसके लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाकर घुटनों पर रखें और 2 से 3 बार गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ें। आँखों को बंद करते हुए आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होना चाहिए। अब आपको मेडिटेशन के लिए मंत्र का उच्चारण कैसे सीखना है ये जाने। वम वम आपका ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर का होता है, तो आपको मन में इमेजिन करना है ऑरेंज कलर की बिंदु और साथ ही रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले पार्ट पर आपको अपना फोकस करना है, ध्यान लगाना है और वम का उच्चारण करना है। जब आप वम का उच्चारण प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे, उसके बाद आप मन में उच्चारण कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लें, ऑरेंज कलर के बिंदु का इमेजिनेशन करें और रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में ध्यान लगाएं। सांस लेते हुए वम 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 जब आप डेली बेसिस पे स्वाधिष्ठान चक्र के लिए मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट, तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र ओपन होगा, एनर्जाइज होगा और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी दूर होंगी। साथ ही जिन महिलाओं को PCOD, PCOS या प्रजनन अंग में किसी प्रकार की कोई गंभीर समस्या है, तो इसके लिए आप मेडिटेट करें। इससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में।
तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।